नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र, वीकेंड फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। और आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि वीडियो एडिट कैसे करें। मतलब कि ये एपिसोड होगा यार, जो लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, तो हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आज के एपिसोड में हम बेसिक ही बताएंगे कि वीडियो एडिट कैसे करते हैं। और इस एपिसोड में हम यूज़ करेंगे एक फ्री टूल, जो कोई भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। कोई पे टूल यूज़ नहीं कर रहे हैं, कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हॉबी के लिए करना चाहते हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं सिर्फ फ़न के लिए, या फिर माइट बी मॉनिटरी रीज़न भी हो इसके लिए भी, तो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी सही रहेगा। शॉर्टकट नाम से ये सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम सारी चीज़ें करके दिखाएंगे। तो यार, ये वीडियो हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक में हम थ्योरी समझाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि आप वीडियो शूटिंग वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करो, आपको वीडियो समझना पड़ेगा कि वीडियो होता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। और सेकंड पार्ट में हम ये समझाएंगे आपको, प्रैक्टिकली एक्चुअली करके दिखाएंगे संजीव भाई। तो आप ना पहला पार्ट मिस करना, ना सेकंड पार्ट मिस करना। तो पहले यार वीडियो के कॉन्सेप्ट समझते हैं, वीडियो एक्चुअली होता क्या है। तो फोटो तो आप सबने देखा होगा, तो वीडियो को हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक सीरीज ऑफ फ़ोटो है। मतलब आपने बहुत सारी फ़ोटो ली एक टाइम फ्रेम के अंदर में, और वो एक साथ जब दिखाओगे ना लगातार, तो एक वीडियो बन जाएगी एक तरीके से। तो आप ये भी देख सकते हो कि बहुत पहले वीडियो जो बनती थी, कि अगर आप एक कॉपी पेन भी उठा लो, स्केचेस बना लो, उसमें एक पेज, दो पेज, तीन पेज, ऐसे बहुत सारे स्टोरीज आपने देखी होगी जो कॉपी पेन पे चलती थी। ऐसे आप पलटते जा रहे हो और स्टोरी चलती जा रही है। तो ये चीज़ एक सीक्वेंस में जब आती है और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, तब ये एक अच्छी वीडियो बन जाती है। अभी हमने ये देखा कि वीडियो क्या होता है, अब देखते हैं कि यार वीडियो कभी भी शूट करने से पहले आपको वीडियो FPS समझना पड़ेगा, फ्रेम पर सेकंड समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। अगर 24 FPS है, इसका मतलब क्या है? तो अगर 24 FPS है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि एक सेकंड में आपकी 24 फ़ोटो यूज़ हो रही हैं उसमें। ऐसे ही अगर 25 FPS है, तो एक सेकंड की वीडियो में आपकी 25 फ़ोटोज़ यूज़ होंगी। और 60 है, तो 60 फ़ोटोज़ इन वन सेकेंड। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़ें आपको होप्स हो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हों। तो अब देखो कि यार वीडियो कोई भी आप लेते हो, तो वीडियो हो सकता है कि विथ ऑडियो हो या विदाउट ऑडियो हो, क्योंकि वीडियो हमने बताया कि सीरीज़ ऑफ फ़ोटो है। तो सीरीज़ ऑफ फ़ोटोज़ विथ ऑडियो भी हो सकती है या विदाउट ऑडियो भी हो सकती है। तो एक वीडियो हो सकता, माइट बी कि एक वीडियो साइलेंट वीडियो हो या साथ में ऑडियो हो। ऑडियो में कुछ भी हो सकता है, चाहे स्पीच हो, चाहे कुछ भी आप बोल रहे हो, या फिर हो सकता है कुछ बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा हो, कुछ भी। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। बेसिकली दो लेयर होगी, तो एक तो हो गया आपका वीडियो का लेयर, दूसरा हो गया ऑडियो का लेयर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि आपको मल्टीपल लेयर्स भी मिल जाएं ऑडियो के। हाँ, तो जब भी आप यार एडिट करने जाओगे, तो आपको हमेशा दो लेयर, कम से कम दो लेयर आपको दिखाई देंगी, एक वीडियो की और एक ऑडियो की, और उसके बाद ही आप एडिट करोगे। तो यार किसी भी वीडियो को एडिट करने का एक ही फंडा है, कट ट्रिम एंड जॉइन। मतलब कोई सी भी वीडियो हो गई, आप उसको, माइट बी कि उसमें अनयूज पार्ट है, मतलब ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको यूज़ नहीं करना है, तो आप उसको कट करोगे, हटाओगे। कुछ हो सकता है कि आपने हटाया है, उसके बाद भी परफेक्शन नहीं है, तो आप उसको कट करोगे, मतलब ट्रिम करोगे, एक्चुअली ट्रिमिंग करोगे थोड़ा सा, कि अब हाँ अब परफेक्ट हो गया ये वीडियो, और फिर उसको ज्वाइन करोगे। तो बेसिक यही है, अगर आपने पहले से भी परफेक्ट शूट कर रखा है, तो भी एक बार देख के उसको एटलीस्ट ट्रिम करोगे। तो बेसिक यही है, कट ट्रिम एंड ज्वाइन। तो सॉफ्टवेयर कोई सा भी आप यूज़ करो, आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट देखना है कि ये जो तीन चीज़ें बताई, कट ट्रिम एंड ज्वाइन, ये कैसे अप्लाई करना है उसमें। इसके बाद से आपको ऑडियो लेयर आएगी, कि ऑडियो लेयर में आपको ऑडियो क्या डालना है, कैसे सिंक करना है। तो यार ज्वाइन जो है आपकी कितनी स्मूथ है, और एक्चुअली ज्वाइन पे क्या, आपको पता ही है कि ज्वाइन पे दो क्लिप्स ज्वाइन हो रही होती हैं, तो ये ज्वाइनिंग कितनी स्मूथ है। बेसिकली इसको ज्वाइन को हम ट्रांजिशन बोल सकते हैं, कि दो आपको सिक्वेंस में कितनी स्मूथ ट्रांजिशनिंग है। तो इस क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आपको आपकी वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो इनिशियली हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए एज अ बिगनर, बट एक धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, इसको आप स्मूथली करते जाओगे, और एक प्रोफेशनल और एक बिगनर, या फिर एक जैसे बोल सकते हैं नौसिखिए में, यह डिफरेंस होता है कि ज्वाइन एक जो है परफेक्टली लगा लेता है, और एक जो है थोड़ा सा उसमें लैग कहीं ना कहीं रह जाता है, जो कि इनपरफेक्शन शो करता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ ये हो जाएगा। तो यार चलो अब फटाफट देख लेते हैं कि ये वीडियो एडिट कैसे करना है। संजीव भाई अभी कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, तो संजीव भाई प्लीज़। तो संजीव भाई तो सबसे पहले यार हम सॉफ्टवेयर खोल लेंगे, और फाइल्स जो भी हमने रखी हैं वो इंपोर्ट कर लेंगे। प्रोजेक्ट को नाम दे देते पहले, ये प्रोजेक्ट को मैंने नाम दे दिया। हम करेंगे इन वीडियोस को कट
आप या तो यहाँ स्लाइडर से कट या कट कर सकते हो, वीडियो को छोटी ट्रिम कर सकते हो बेसिकली, या फिर आप स्टार्ट और एंड पॉइंट चूज़ कर सकते हो। स्टार्ट पॉइंट चूज़ करने के लिए आपको आई बटन दबाना पड़ेगा और एंड आपको चूज़ करने के लिए ओ दबाना पड़ेगा। सो आई फॉर द स्टार्टिंग, ओ फॉर द एंड। तो उसके बाद आप इसको टाइमलाइन में ऐड कर देंगे, इंसर्ट टू टाइमलाइन। एक बार टाइमलाइन में इंसर्ट होगी तो देखिए ये दो लेयर बन गई है, एक ऑडियो की और एक वीडियो की। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी वीडियोस को भी ट्रिम कर लेंगे और जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स रहेंगे हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे और बाकी पार्ट्स हम हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे यार, ये जो हमने ऊपर वीडियो की लेयर बना ली है तो इसके नीचे हम ऑडियो की लेयर लगाएंगे। ऑडियो ये फ्लेम्स यूट्यूब के जो स्टैंडर्ड जो ऑडियो लाइब्रेरी है वहाँ से मैंने उठाई है और मैंने इसके नीचे रख दी है। इसमें हमने कोई ट्रांजिशन ऐड नहीं करी है यार, ट्रांजिशन थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाएगा। तो अभी हम बेसिक कट और जॉइन बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये सही लग रहा है। इसकी जो डिफ़ॉल्ट ऑडियो है वो मैं हटाना चाहूँगा, बस वो इसको हटा लेते हैं ऐसे। मैंने भी ये सॉफ्टवेयर यार ज़्यादा यूज़ नहीं किया है तो मैं भी जस्ट फिगर आउट कर रहा हूँ कुछ चीज़ें। ज़्यादातर हम Adobe Premiere Pro यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम वही उसी सॉफ्टवेयर से आपको सिखाएंगे कि कैसे एडिटिंग करनी है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया फाइल एक्सपोर्ट और हमने सेलेक्ट कर लिया कि कहाँ फाइल सेव होगी। वीडियो एडिटिंग यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ इसको और ये अभी एक्सपोर्ट हो रही है, आप देख सकते हैं राइट साइड में। और जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है शॉर्टकट और ये फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी चाहे तो उसको डाउनलोड कर सकता है। डेस्कटॉप के लिए ये एप्लीकेशन है, आपके मोबाइल के लिए नहीं है। और देखिए गाइस ये है फाइनल रिजल्ट। तो आओ इसको एक बार कंक्लूड कर दें बिफोर कि हम इसको एंड करें। तो आपको समझने वाले जो चीज़ें थी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बहुत सिंपल है, कट ट्रिम एंड जॉइन यही आपको यूज़ करना है परफेक्शन के साथ। और संजीव भाई ने आपको प्रैक्टिकली बता भी दिया कि कैसे करना है सब कुछ। तो होप्स हो कि आपको समझ में आया हो। अगर कुछ आपको लगता है जिसमें मिस आउट हुआ हो या फिर कुछ एडवांस चीज़ें जो आपको और सीखने का मन कर रहा हो इस मतलब वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड, तो आप वो कमेंट में डाल सकते हो, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड करेंगे। सर आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ या माइट बी कि अगर आपके कमेंट सही हो और इसी पे आप कुछ देखना चाहें तो इसी का एडवांस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।